हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है, ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड
कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब देख चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवेंथ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शनर थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन एंड नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवेंथ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजय मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से।
बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजय मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू।
मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजय मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स
एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलाइज एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलाइज एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है।
दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा, जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है। और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है, ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में, अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है
और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है। कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है, मुंबई शहर में, मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है। तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं। तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में, अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है।
कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में कि दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है। और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में, अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है। और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब देख चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवेंथ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शनर थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में कि दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है। और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल
आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं है, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है मुंबई शहर में। मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है।
दोस्तों, और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है मुंबई शहर में, मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है। तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है, मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना,
दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अस्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है मुंबई शहर में, मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है। तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है, मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अस्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे।
दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है मुंबई शहर में। मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में, अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है
मिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू,
एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था,
और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजय मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजय मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है।
दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवेंथ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है।
उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं,
उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़ एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिस मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी जिसका रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं है, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है।
दोस्तों, और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना,
दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अस्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहां अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अस्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन टू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे।
दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहे हैं अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं, तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों, मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा। कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है
सिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं। एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014, एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है, जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है, और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है, और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है, और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर ए आर मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू,
एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद स्वास्थ्य के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपये था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपये का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू, जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद स्वास्थ्य के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था
और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिस मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लाउड रिव्यू पर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सास्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिस मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो मूवी ने आईएमडीबी पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है।
दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं पूरे मुंबई के अंदर, बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू पर, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की सन 2014 की एक और हिट मूवी का रिव्यू जिसका नाम है हॉलीडे। दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मूवी से जुड़ी हुई जानकारी दे पाऊंगा, कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप मैं यहाँ अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। बट आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ रिव्यू आपको पसंद आएगा और साथ ही साथ ये मूवी कैसी है ये जानने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। हॉलीडे सन 2014 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया गया है मिस्टर AR मुरुगदोस के थ्रू, एंड मूवी के लेखक भी सेम वही हैं, एंड मूवी को प्रोड्यूस किया गया है अरुण भाटिया और विपुल अमृतलाल शाह के थ्रू। मूवी के अंदर मेन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे आपको अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा एंड फ्रीडी दारूवाला एंड सुमित राघवन एंड गोविंदा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है नटराजन सुब्रमण्यम के थ्रू, एंड एडिटिंग की गई है अमिताभ शुक्ला के थ्रू, और मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है प्रीतम के थ्रू, एंड बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है प्रसाद सस्ते के थ्रू। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी हरिओम एंटरटेनमेंट एंड सनशाइन पिक्चर्स, एंड मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट के थ्रू। मूवी का जो रिलीजिंग डेट था वो था 6 जून सन 2014 एंड 170 मिनट मूवी का टोटल रनिंग टाइम है। मूवी को हिंदी भाषा में भारत के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी का बजट उस समय पर मात्र 50 करोड़ रुपए था, और टोटल बॉक्स ऑफिस पर विजिट मूवी ने अभी तक 176 करोड़ रुपए का हिट कर चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की IMDb रेटिंग की तो मूवी ने IMDb पर टोटल 10 में से 6.9 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि दर्शाते हैं कि मूवी की स्टोरी वाकई में काबिल तारीफ है। एंड दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको मूवी की स्टोरी भी आपको बता देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएं कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों मूवी की कहानी एक फौजी पर आधारित है जिसका नाम है कैप्टन विराट बख्शी, जिसका रोल निभा रहा है अक्षय कुमार। वह अपनी छुट्टियों से घर लौटकर मुंबई आता है और उसका परिवार उसे स्टेशन से उतरते ही एक लड़की दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे लगता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव की है और बहुत ज़्यादा मूर्ख है। बाद में वह उसे पाता है कि वह लड़की कोई मतलब आम लड़की नहीं, एक बॉक्सर है, और उसके व्यक्तित्व से हैरान हो जाता है।
उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है, उस लड़की के लिए वह अक्षय कुमार प्यार विकसित करता है। इन तीनों के बीच मस्ती मजाक होता है, कहीं से कहानी उसी में घूम जाती है। मुंबई शहर में मतलब आपको देखने के लिए मूवी के अंदर मिलेगा जो उनका हंसी मजाक चल रहा होता है, तो विराट बख्शी को पता चलता है कि मुंबई शहर में के दिल में एक समाज विरोधी घटना होने का आसार है। मतलब एक बॉम्ब जो होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, पूरे मुंबई के अंदर बॉम्ब फटने वाले हैं, तो उस चीज़ का उसे पता चलता है और देशभक्त होने के कारण वह उस चीज़ का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। देशभक्त होने और भारतीय सेना में विशेष जासूस होने की वजह से विराट बख्शी एक विशाल आतंकी नेटवर्क में घसीटा जाता है। बाकी की कहानी उसके बारे में क्या है ये आप सिर्फ मूवी में देखकर जान पाएंगे दोस्तों। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो यह मूवी एक देखा जाए तो एक अच्छे फौजी के चरित्र को दर्शाती है दोस्तों। और सिंपल भाषा में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि पर्सनली मूवी भी मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी मूवी है और इस मूवी की स्टोरी भी अच्छी है। इस मूवी के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े से रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छे सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड कि किस तरह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तरह मतलब विराट बख्शी सोच करके किस तरह से उनसे लड़ता है, ये सब चीज़ें आपको देखने के में मज़ा आएगा मूवी के अंदर। और इसके अंदर कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला सॉन्ग मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शायराना, दूसरा सॉन्ग होगा तू ही तो है, तीसरा सॉन्ग होगा अश्क ना हो, फोर्थ सॉन्ग होगा ब्लेम द नाइट, एंड फिफ्थ सॉन्ग होगा पलंग तोड़, एंड सिक्स सॉन्ग होगा तू ही तो है, एंड सेवन्थ सॉन्ग आपको पलंग तोड़ का वर्जन 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मूवी देखिएगा और मूवी का आनंद लीजिएगा।